हमारे यहाँ ना एक बहुत बड़ा मसला है, बिलखसूस हम जो सूफिया की जमात है ना, इसमें बाद लोगों का ख्याल है कि मैं ना फलां दरूद पाक पढ़ूंगा तो नबी पाक के करीब चला जाऊंगा। कोई शक नहीं, दरूद पढ़ने से हुजूर का कुर्ब मिलता है। बाद लोगों का ख्याल होता है कि नात शरीफ की बरकत से महबूब के करीब जाऊंगा। कोई शक नहीं, नात पढ़ना और नात सुनना ये बंदे के दिल को हुजूर की मोहब्बत के अंदर बड़ा मजबूत कर देता है। कुछ लोगों का मेयार होता है कि मैं इतने इतने वज़ाइफ इस टाइम में मुकम्मल करूंगा तो मैं नबी पाक के करीब जाऊंगा। तो हुजूर ने तो खुद बता दिया मेरे करीब कौन है। दुरूद पाक पढ़ने वाले को भी करीब बयान किया हुजूर ने। जिहाद करने वाला, इबादत करने वाला, रियाजत करने वाला, दीन की खिदमत करने वाला, ये सब हुजूर के करीब है। पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम में से, ये बुखारी है, फरमाया तुम में से मेरे यहां मेरे करीब सबसे महबूब वो शख्स है जिसके अखलाक ज्यादा अच्छे हैं, जिसका रवैया लोगों के बारे में ठीक है, जिसकी नियतें इरादे लहजे लोगों के हक में नरम है, वो मेरा महबूब है। हुजूर फरमाते हैं मेरा महबूब है, मेरा वो प्यारा बंदा है, वो मेरा महबूब है उम्मती। तो हुजूर का महबूब बनने का बेहतरीन तरीका यह है कि अपना अखलाक ठीक किया जाए।